नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं यहाँ पे गाइस रिव्यू एंड डेमो करने जा रही हूँ इन प्रोडक्ट का। ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं, 350 का है, कॉम्बो पैक मिला था। मैं कई सारे कॉम्बो पैक आपके लिए इस तरह के लेके आती रहती हूँ जो इस पे मिलते हैं कि क्या इनका रिजल्ट आपके लिए सही है या गलत है। तो इसमें जो मिले हैं मुझे, दो ब्यूटी ब्लेंडर मिला है, एक प्राइमर मिला है, मेकअप फिक्सर मिला है और मिला है फाउंडेशन स्टिक है, ये 2-in-1 वाली हाईलाइटर एंड कंटूरिंग वाली, और ये मिला है लूज पाउडर मिला हुआ, पिंक में जो चल रहा है आजकल वही मिला हुआ है। तो इन सबको हम यूज करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फेस वॉश कर लिया था, CTM कर लिया था, अब यहाँ पे हम प्राइमर यूज कर रहे हैं। प्राइमर ये स्प्रे वाला था, फर्स्ट टाइम ही मुझे इस तरह का प्राइमर देखने को मिला। हम मोस्टली ट्यूब में ही आते हैं तो मैंने पहले इसको अपने हाथ पे देखा, हालांकि मैं पहले ट्राई कर चुकी थी लेकिन फेस पे फर्स्ट टाइम कर रही थी। तो इसको मैंने अब फेस पे अच्छे से स्प्रे करके फिर डैब डैब करके एक मिनट के लिए छोड़ दिया। देन बारी आती है, हम यहाँ पे लगाएंगे इनका फाउंडेशन, जो इन्होंने फाउंडेशन दिया हुआ है। तो इनका जो फाउंडेशन है गाइस इतना थर्ड क्वालिटी का है, मैं पहले भी देख चुकी थी बट यहाँ पे ऑन कैमरा आपको दिखाने जा रही हूँ। और जैसे पानी में चौक मिला देते हैं ना, फटाफटा अलग अलग रहता है, कोई क्रीमिनेस नहीं उसमें, कुछ भी नहीं, बहुत ही बेकार था प्रोडक्ट। फेस पे तो आप उसको लगा ही नहीं सकते। तो ये एकदम से थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट था। मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सारा कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो अपना फाउंडेशन यूज करती हूँ वो मैंने लगा दिया, अब लेके आ गई हूँ मैं ये 2-in-1 वाली स्टिक। इसमें जो लाइट कलर है उसको हाईलाइट वाले एरिया पे कर देंगे और इसमें जो डार्क कलर है उससे हम कंटूरिंग कर देंगे। ये चीज़ें बहुत, ये स्टिक मुझे काफ़ी पसंद आती है। कई बार आप मेरे और भी ब्रांडेड स्टिक भी देख चुके हैं, मैं यूज करती हूँ इसको, और क्योंकि ये नोज पे कंटूरिंग वगैरह करने में बहुत आसानी रहती है इससे। अब इससे हम कंटूरिंग करने के बाद में जो इसमें ब्यूटी ब्लेंडर है हम उन्हीं का यूज करके इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि जो लाइट कलर है उसको आप पहले कर लेंगे ब्लेंड और जो डार्क कलर है उसको बाद में करेंगे ताकि कलर मिक्स ना हो जाए। तो कंटूरिंग करते टाइम भी थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि नोज पे बहुत अच्छे से कंटूरिंग किया करें। फेस पे अगर डबल चिन की वगैरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी कर दें आप। यहाँ पे हम हल्का सा फेस करते रहें क्योंकि मैं यहाँ पे डेमो कर रही हूँ, ना कि आपको मेकअप सिखा रही हूँ। मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट को देखना चाह रही हूँ किस तरह का है, वो आपको बताना चाह रही हूँ। ये मात्र मुझे 350 का मिला हुआ, 350 में अगर इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। बट वही है कि इनका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल ही बेकार है, उसको आप यूज ही नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इसको ब्लेंड कर दीजिएगा। नोज पे मैं डबल मुझे कंटूरिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसको जो इसमें मैंने ब्लेंडर लिया है, इसमें मेकअप फिक्सर जो था इसमें उसको मैंने स्प्रे कर दिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में मैंने लाइट कलर को ब्लेंड करने के बाद में डार्क कलर को ब्लेंड कर दिया। नोज पे मैं डबल करूँगी क्योंकि पता नहीं कि ये जो नोज पे मैंने करा उसको वो कलर या तो ब्लेंडर ने ले लिया था या वो पता नहीं, समझ नहीं आया, तो मैंने इसको डबल करा तब थोड़ा सा सही लगा मुझे। बाकी अब मैंने और भी इसको यूज करा स्टिक को, तो स्टिक अच्छी है, कोई भी कंप्लेन नहीं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर इस तरह के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और अपने फेस पे यूज करना चाह रहे हैं तो पहले हाथ पे या गर्दन में ज़रूर ट्राई करके देखा करें। अगर कोई एलर्जी वगैरह आपको हो रही है तो उसको यूज मत करें। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है लूज पाउडर लिया हुआ है और इनका जो फ्लफी वाला ब्रश है उसी से मैं इसको लगाऊंगी, इस पूरे फेस को सेट कर दूंगी। अच्छे से सेट करना है क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है। इस टाइम अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्रीमी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उसको इस तरह के पाउडर से, लूज पाउडर से सेट नहीं करते हैं तो आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप इस तरह का ब्रश से या किसी भी आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रश का यूज़ नहीं करना चाहें उसमें लेके हल्का सा डैप डैप करके उसको सेट कर दीजिएगा, बट सेट ज़रूर कीजिएगा। ये पाउडर भी बहुत अच्छा था, कवरेज इसने ठीक ठाक दिया, बहुत हाई कवरेज नहीं है ना मीडियम है, बट ठीक ठाक है आपका। अगर आप दिन का मेकअप कर रहे हैं उसके लिए प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, आप मेकअप अपना कर सकते हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बजट का इशू है तो बजट फ्रेंडली है ये, बहुत कम पैसों में आपको इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है जिससे कि आपका मेकअप लगभग में कंप्लीट होने जा रहा है। सिर्फ अगर आप लिपस्टिक और लेनी है आपको और आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन्होंने जो लाइनर दिया है। लाइनर तो मैं इनका पहले भी यूज करके, ये वाला लाइनर कई बार यूज करके देख चुकी हूँ जो इस पार्सल में आया है। दो लाइनर इन्होंने दिया
चाहिए है। तो एक लाइनर मैंने खोल के यूज़ करा जिसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है, ये लगने में आसानी रहती है। हाँ, ये चलते ज़्यादा नहीं है, एक महीने से ज़्यादा ये स्केच नहीं चलता है अगर आप डेली यूज करते हैं, क्योंकि ये ड्राई हो जाते हैं। बट पॉकेट फ्रेंडली है तो इनको बजट ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप बार बार लेके यूज कर सकते हैं, अच्छे रहते हैं, लगाने में बहुत आसानी रहती है और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। इसको करने के बाद में इनका हम मेकअप हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, खुद कैमरे पे आके बता रही हूँ कि क्या इनका रिजल्ट रहा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहें तो मीशो से परचेज कर सकते हैं। मैं आपका इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस। और इस चैनल को भी गाइस बहुत सारा प्यार दीजिए। ये देखिए, मैंने इसी ब्रांड जो भी सामान मंगवाया है मीशो से, मैंने वो उसी से मेकअप किया हुआ है। और मुझे मेकअप किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कोई एलर्जी वगैरह नहीं हो रही है। थोड़ा सा स्वेटिंग आ रही है क्योंकि एसी सारा कुछ फैन वगैरह ऑफ कर रखे हैं मैंने। अदरवाइज मुझे सिर्फ इसका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही बेकार लगा गाइस। उसको कभी भी आप फेस पे अपने यूज मत करें। इससे पहले एक मैंने जो पार्सल मंगवाया था उसमें फिर भी अच्छा आया था, बट इसमें जो आया हुआ है एकदम से पाउडर और पानी जैसे मिला के रख देते हैं ना, वो चीज़ आ रही है फेस पे, उसको लगा ही नहीं सकते, सेट होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारे और सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, और जिसमें पाउडर दिया हुआ है ये नीम पिंक जो आया है वही इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा है, एकदम से ओरिजिनल प्रोडक्ट तो आप नहीं कह सकते, बट हाँ इतने सस्ते में बहुत अच्छे मेकअप के लिए आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कोई भी मेरी स्किन पे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई एलर्जी नहीं हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब भी यूज करें तो ट्राई जरूर करें। स्किन में कहीं पे भी थोड़ा सा हाथ पे या गले में कहीं पे भी लगा के देख लीजिए, थोड़ा सा लगा रहने दीजिए 4-5 घंटे। अगर आपको एलर्जी वगैरह कुछ नहीं होता है तो वो ओके है। अदर कोई एलर्जी वगैरह खुजली वगैरह कुछ भी होता है तो उस प्रोडक्ट को आप कभी भी यूज मत कीजिएगा। इतना ही ध्यान रखना है। अदरवाइज आप कोई भी प्रोडक्ट कैसा भी यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका इस पार्सल का मैंने आपको बता दिया कैसा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है कि चीज़ को लगा के बहुत ही अच्छे से समझाया आपको किस तरह से कि यूज करना है। इनका लाइनर ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसको यूज करती हूँ। हाँ, इसके ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, बट जब तक चलता है रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के आपके लिए प्रोडक्ट के रिव्यू लेके आती रहूँगी, तरह तरह के सस्ते महंगे कैसे भी हूँ लेके आऊँगी आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।